तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई तो आज एक सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ मैं यूट्यूब स्ट्राइक की, जो मेरे पे स्ट्राइक आई थी, कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी भाई। ठीक है, तो बहुत सारे भाई हैं जो नए भाई हैं जो मजाक में इस चीज़ को लेते हैं शुरू शुरू में, उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई मैं भी उनमें से एक हूँ, आप देख सकते हो। अभी मेरा नया चैनल ही है और 1,033 सब्सक्राइबर हुए थे अभी अभी, मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ था और मेरे पे आ गई है कॉपीराइट स्ट्राइक। जो कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकते हो आप, जस्ट इससे पहले ही वाला वो वीडियो है। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बाकी एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भाई। ठीक है, अपना वॉच टाइम दिखा देता हूँ। वॉच टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 28 दिन का और लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम अभी 365 दिन मेरे को हुए नहीं है दोस्तों। बाकी ये देख लो आप 90 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुल मिला के यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी भाई, जो भी नया यूट्यूबर इस चीज़ को मजाक में लेता है ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ नहीं होता है, कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं आता है, ये सो इन चीज़ों को, मतलब कि हम कुछ भी उठा कर डाल दें, कुछ भी सॉन्ग उठा कर डाल दें, तो भाई उसका नतीजा ये देख लो भाई, ये वो वीडियो है भाई। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में मैंने पहले ही बताया है, वो आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो की, लिंक वो आप देख सकते हो। इससे पहले ही वाली वीडियो में मैंने बताया दोस्तों, ठीक है, पूरे पूरा बताया मैंने क्या प्रोसेस रहा है, कैसे कैसे। ठीक है, बाकी मैं अभी इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो अपना चैनल भेजा था मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसमें क्या मेरे को इशू आया है और यूट्यूब वालों ने क्या मुझे बताया है कि आपका क्या इशू है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि रीयूज्ड कंटेंट करके यहाँ पर मेरे को जो इशू है ना, जो बहुत सारे भाइयों को पता है, रीयूज्ड कंटेंट करके ये इशू मेरे को यहाँ पर आया है। ठीक है भाई, ये आप देख लो, आप वीडियो को पाउज करके आराम से देख सकते हो भाई। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं यूट्यूब की तरफ से, तो ये सारी मेरी गलतियाँ थी भाई। ठीक है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी भाई ऐसी गलती ना करें कि कुछ भी नो कॉपीराइट, बिना किसी के भी कुछ भी वीडियो डाल दो या कहीं से भी बैकग्राउंड सॉन्ग को उठा के लगा दो भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने करी है और उसका नतीजा ये आप देख लो भाई, यहाँ पे मेरे को आ गया है रीयूज कंटेंट, मतलब मैंने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया है, तो इस वजह से जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है भाई, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, और जो उस वीडियो से वॉच टाइम आया था ना, वो भी यहाँ पे घटा दिया गया है, देख सकते हो भाई। ठीक है, नहीं यहाँ पे अभी घटाया नहीं गया है दोस्तों, यहाँ पे अभी है पूरा, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है पर वो काउंट नहीं होगा बिल्कुल भी, ये यूट्यूब ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 14 दिन का टाइम मिला है दोस्तों, जो कि मैं 20 अप्रैल को एक बार फिर से ट्राई कर सकता हूँ भाई। ठीक है, 20 अप्रैल जो आने वाली 20 अप्रैल को है, तो यहाँ पे यूट्यूब ने कहा कि आप 14 दिन बाद दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी चैनल पे कुछ भी दिक्कत नहीं हो तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए भाई। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से मेल दिखा देता हूँ भाई, मेरे को मेल जो आया था यूट्यूब की तरफ से, वो मेल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें फटाफट उस वीडियो में, और ये मेरे को मेल आया था दोबारा। ठीक है भाई, तो दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो, योर चैनल इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये लिखा गया है भाई, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द जॉइनिंग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, वी केयरफुली रिव्यूज योर चैनल। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि मतलब थैंक यू सो मच, मतलब मैंने अप्लाई करा है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे चैनल को रिव्यू किया है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वी फाउंड दैट योर चैनल इज़ नॉट इन लाइन विद यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मतलब मेरा चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए अभी अप्रूवल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी गलतियां जो अभी करी हैं। तो बाकी इसके नीचे आप देख सकते हो, डोंट वरी नथिंग हैज चेंज फॉर योर चैनल, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको चैनल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके चैनल को नहीं चेंज किया जाएगा, आपके चैनल को डिलीट नहीं किया जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो बना सकते हो इस चैनल पर, वीडियो डाल सकते हो और अपने चैनल को आराम से चला सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे टाइम दिया गया है भाई 14 दिन का, 14 दिन बाद मैं दोबारा रिअप्लाई कर सकता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए।
तो भाई जैसे कि आपने देखा, मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया है भाई, अपना मेल ओपन करके आपको दिखाया है, ये कोई फेक नहीं है। आप दोबारा एक बार देख लो भाई, आप पाउस करके आराम से देख सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा तैसा, ठीक है, ये रियल है और मैं लाइव दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे भाई मेरी तरह हैं जो ऐसी गलतियाँ कर भी सकते हैं और ऐसी गलतियां करने के कगार पे होंगे भाई, तो वो अभी भी समझ जाएं भाई कि यूट्यूब की गाइडलाइंस को बिना अनदेखा करें, हम ऐसा भी कोई काम ना करें कि जो हमें ये नतीजा भुगतना पड़े भाई, जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ है। तो मैं इसलिए इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ताकि कोई भी भाई इतनी बड़ी गलती ना करें। यहाँ पे देख लो भाई, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए डाला था, यहाँ रियूज कंटेंट आया है, आप इसकी और भी वीडियो देख सकते हो अगर आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करते कि रियूज कंटेंट क्यों आता है। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए आती है जब हम रियूज कंटेंट मतलब दूसरे के कंटेंट को यूज़ करते हैं और अपने चैनल पे डालते हैं भाई। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें यार, प्लीज़ सपोर्ट करें, और तुम्हारे भाई का जो डिमोटिवेशन हुआ ना उसको मोटिवेट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, ठीक है।